हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष शहजाद तबला प्लेयर फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों के फीडबैक के लिए, और जितने बिगनर्स स्टूडेंट्स सीख रहे हैं मेरे से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखा करें। इसी तरह जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई, मुझे मैसेजेस आए कि सर फिलर्स पे हमें बताएं कुछ। और अभी दादरा हमारा चल रहा था, तो कोशिश ये है कि दादरे के बारे में ही बताया जाए, सिक्स बीट्स कि इसमें आप फिलर कैसे उठ सकते हैं। और पाउडर ख़त्म हो चुका है तो इसको हम दादरा चल रहा था, फिलर्स के बारे में ये बताता जाऊंगा कि स्टूडियोज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और लाइव परफॉर्मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलर का ये है कि खूबसूरती के लिए होता है, और फिलर को हम बजाते हैं, वो एक फिलर, एक जगह को फिल करना, ठीक है, और इस तरह फिल करना कि वो खूबसूरत लगे, ठीक है। फिलर वर्ड से आप ये सेंस भी डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसको आप। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, और आप फिलर को खूबसूरती के साथ बजाया जाए और सिंपल भी बज सकता है, ठीक है, और इसको आप लय की तकरार के साथ भी बजा सकते हैं कि आउट ऑफ रिदम हो के आप फिर रिदम को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक खूबसूरत बात है कि आप रिदम से बाहर हो रहे हैं और फिर आप रिदम में आ रहे हैं। रिदम से बाहर होना इन अ सेंस कि आप उसको आउट ऑफ बीट बोल को देख रहे हैं और लय वहाँ की वहाँ चल रही है, और आप लय से कट हो के, लय से आउट होकर आप फिर लय में वापस आ रहे हैं। तो मैंने अपने उस्ताद जी से, उस्ताद हारून सैमुल साहब से एक बात सीखी है कि आप लय से बाहर भी हैं तो भी लय में ही हैं आप, क्योंकि अगर हम किसी लय में बजा रहे हैं और उस लय से थोड़ा बाहर हो रहे हैं तो वो भी तो कोई लय ही है जिसमें हम बजा रहे हैं। तो उस लय में से निकल कर उस लय में वापस आना, जैसे हम राग गाते हैं तो राग से शिफ्ट होते हैं दूसरे राग में, ठीक है, तो दोबारा उस राग में वापस आते हैं। तो लाइकवाइज हम इसको ताल में भी देख सकते हैं। सो जैसे हमारे पास दादरा है, हम इसको देखते हैं, टेम्पो हम इसका 100 सेलेक्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ताति ताके तीना धिट धागे ना धीना गिन धा 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के ना ता ती ता के ती ना धिटे धागे ना धिटे धागे ना धी ना गी ना धा। अब इसको मैं आपको जो इसकी फिलर की ओरिजिनल स्पीड होनी चाहिए या कुछ भी, आप इसको देख लें, 130 पे मैं ले आया इसको, 2 3 4 5 6 ये आउट ऑफ बीट उठ रहा है, आप देखें इसको कि ये 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धा के न धिट धा के न ती न गे न धा ता ता ती ता के ती न धिट धा के न ती न गे न धा। अब इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो एज इट इज़ रिसीव की जाती हैं। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धा के न धिट धा के न धी न गिन धा।
अब ये सिक्स मैं बोल रहा हूँ और इसके फौरन बाद मैं बोल जो है वो उठा रहा हूँ, यानी जो फिलर हम बजा रहे हैं उसको मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धा के न धिट धा के न धी न गि न धा। आप मेरी बात यकीनन समझ रहे होंगे, कुछ डिफिकल्ट है ये, लेकिन कुछ चीज़ें उस लेवल पे ही आके सीखनी पड़ती हैं। 2 3 4 5 6 इसकी हम लय कम कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 80 पे, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धे धा के न धे धे धा के न ती ना के न धा, तिन तिन ता दिन दिन ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धे धे धा के न धे धे धा के न ती ना के न धा, तिन तिन ता दिन ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धे धे धा के न धे धे धा के न ती ना के न धा। बोल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने कुछ और बजा दिया, ठीक है। फिलर्स ऐसा ऐसा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, मुख्तलिफ फिलर्स के साथ भी हम आगे चलेंगे। 3 4 5 6 लय का मज़ा आ रहा है इसमें, कि ये लय से आउट ऑफ बीट हो रहा हूँ मैं और पहले उठा रहा हूँ इसको, 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धागे न धिट धागे न धी न गि न धा, तिन तिन ता धिन धिन ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धागे न धिट धागे न धी न गि न धा। और कोशिश करें कि जब भी प्रैक्टिस करें मेट्रोनोम ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको पता चले कि मैं लय से बाहर हो रहा हूँ और लय में आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे खान साहब हैं मेट्रोनोम, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और अगर गलत होंगे तो हम ही होंगे। तो कई दफ़ा हमें लय के साथ खेलना भी चाहिए और इसको भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि रिदम है और रिदम के साथ ये भी एक गेम है, और जिस तरह हम गेम खेलते हैं हमें इसमें भी लय के साथ खेलना चाहिए, सीधे तरीके से भी और थोड़े आड़े तरीके से भी, ताकि एक वैरायटी भी और एक यूनिकनेस नज़र आए तबले में। जैसे मैं फौरन बात कर रहा हूँ और फौरन मुझे याद आया कि सम आ रहा है और मैंने सम से पहले बोल को उठाना है, धा तिन तिन ता धिन ता ता ती ता के न ता ती ता के ती न धिट धागे न धिट धागे न ती न गिन न धा, तिन तिन ता धिन 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 धा। सो इसको अब हम 120 पे लेके आते हैं, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 की लय बढ़ा देते हैं। जितना आप इसको बोल को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको समझ लग जाएगी। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ता ता ती ता के ना ता के ती ना धेटे धागे ना धेटे धागे ना धागे बोल बता रहा हूँ अब, ता ता ती ता के तू ना या ती ना कह लें, ठीक है। ता ता ती ता के तू ना झेटे धागे ना झेटे धागे ना तू ना गे ना धा, धे ट झेट धे, हम पॉइंटर फिंगर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रिगर फिंगर बोलते हैं जिसको, झेट धागे ना। अब धागे हम कैसे बजा रहे हैं, धा घे, जो हमारे लेफ्ट हैंड की ट्रिगर फिंगर है हम उससे घे बजा रहे हैं, घे यानी घे धा घे
घेट धागे ना धूना गिन्ना धा ता ता ती ता के ना ता के तू ना घेट धागे ना धूना गिन्ना धा सो ता ता ती ता के ना ता के तू ना घेट धागे ना धूना गिन्ना धा। ये फिलर के बोल हैं। और नेक्स्ट मैं ज़रूर एक और न्यू चीज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा, और हम फिलर्स को ही अभी लेके फर्दर इसको चलेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक से मुझे इसी तरह आगाह करते रहें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।